हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं सेक्स हार्मोन डिसऑर्डर जो कि फीमेल्स में है। इसके पहले वीडियो में हमने स्टडी किया था सेक्स हार्मोन डिसऑर्डर मेल्स में, अब हम यहाँ पर फीमेल में देख रहे हैं। तो फीमेल में भी तीन तरह के प्रॉब्लम्स अराइज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिनमें सबसे कॉमन होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इसे PCOS के नाम से भी जाना जाता है। जनरली इसे हम करेक्टराइज करते हैं बाई ओलिगोमेनोरिया और एमनोरिया। ओलिगोमेनोरिया का मतलब क्या होता है? इनफ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें इनफ्रीक्वेंटली मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं, अपने समय पर ना आकर वो कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे, इस तरीके का होता है। और इनफ्रीक्वेंटली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो आते हैं, उसे हम कहते हैं ओलिगोमेनोरिया। जबकि एमनोरिया का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का कुछ दिनों तक ना आना या नहीं आने को ही हम क्या कहेंगे, एमनोरिया कहेंगे। इसके सिम्टम्स क्या हैं? एक्ने, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, हिर्सुटिज्म या फिर पॉलीसिस्टिक ओवरीज क्या होते हैं? जैसा इसका नाम इंडिकेट कर रहा है, पॉली मतलब बहुत सारे, सिस्टिक मतलब सिस्ट का फॉर्मेशन होना, कहाँ पर? ओवरीज में। ओवरी जो है वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं जिनमें एग जनरेट होता है। तो यहाँ पर ये सिस्ट का जो मतलब है, वो सिस्ट का मतलब क्या है कि ये भी एक छोटे से फॉलिकल ही है लेकिन इसके अंदर बहुत सारा फ्लूइड भरा हुआ है, उसमें एक मैच्योर एग नहीं है, तो उसको हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज, जिसमें ऐसे बहुत सारे सिस्ट प्रेजेंट हों जिनमें कुछ फ्लूइड्स भरे हुए हों जिसमें मैच्योर एग नहीं हो, उनको हम कहते हैं सिस्ट। तो ये बहुत सारे हैं इसलिए पॉलीसिस्ट, और ओवरीज में है इसलिए पॉलीसिस्टिक ओवरीज। डायग्नोसिस, एलिवेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, इसमें हम देखते हैं टेस्टोस्टेरोन का लेवल कितना है। तो इससे पता चलता है कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर ज़्यादा है मतलब क्या है, उसमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। प्रेजेंस ऑफ सिस्ट इन ओवरीज, स्मॉल कलेक्शन ऑफ फ्लूइड एंड फेल्स टू रेगुलरली रिलीज एग्स, क्योंकि इसमें मैच्योर्ड एग नहीं है इसलिए रिलीज नहीं होते हैं एग प्रॉपर टाइम पर, इस वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल टाइम पर नहीं आता है। कॉजेस, इसका पहला एक कारण हो सकता है एक्सेस इंसुलिन। अगर इंसुलिन बहुत ज़्यादा है का मतलब क्या हुआ कि जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है वो बहुत स्लो है, इस वजह से इंसुलिन ज़्यादा है, या फिर जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंसुलिन सिंथेसाइज किया जा रहा है, ऐसा इसलिए हो सकता है। माइट बी इंक्रीज एंड्रोजन प्रोडक्शन कॉजिंग डिफिकल्टी विथ ओवुलेशन, एक्सेस इंसुलिन होने की वजह से एंड्रोजन प्रोडक्शन बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा एंड्रोजन का प्रोडक्शन होने लगता है बॉडी में, और इसकी वजह से जो ओवुलेशन है वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है। सेकेंड कॉज हो सकता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन की वजह से इंक्रीज लेवल ऑफ इन्फ्लामेशन इन देयर बॉडी स्टिमुलेट करता है पॉलीसिस्टिक ओवरीज को टू प्रोड्यूस एंड्रोजन। ये जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं मतलब बहुत सारे जो सिस्ट हैं उनको स्टिमुलेट करता है कि वो एंड्रोजन इंड्यूस करें, तो एंड्रोजन के प्रोडक्शन की वजह से जो प्रॉब्लम है वो अराइज होने लगता है। हेरिडिटी, कुछ पर्संस में ये हेरिडिटरी होता है, मतलब अगर उनके मदर से में ये प्रॉब्लम है तो आगे चलकर फ्यूचर जनरेशन में भी ये प्रॉब्लम देखा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंजाइम ये जो है जिन से लिंक्ड है, किसी ना किसी तरह की जिन में डिफेक्ट है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम अराइज हो रहा है। एक्सेस एंड्रोजन इंक्रीज, अगर एंड्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो उसकी वजह से एक्ने एंड हिर्सुटिज्म प्रोड्यूस होता है। कॉम्प्लिकेशंस, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस अराइज होते हैं अगर पॉलीसिस्टिक ओवरीज है तो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ और प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाई बीपी। बीपी जब प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में ब्लड प्रेशर का राइज होना, उसे हम क्या कह रहे हैं, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाई बीपी। और जेस्टेशनल डायबिटीज़ का मतलब भी क्या है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर ब्लड शुगर का लेवल ज़्यादा हो रहा है तो उसे हम क्या कह रहे हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज़ कह रहे हैं। तो ऐसे पर्सन जिनमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं उनको ये सब प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मिसकैरेज और प्रीमैच्योर बर्थ, मिसकैरेज होने के चांसेस उनमें ज़्यादा रहते हैं, या फिर अगर उन्होंने कंसीव किया भी है तो वो प्रीमैच्योर बर्थ होता है बच्चे का, इस वजह से ये प्रॉब्लम इनमें बनी हुई रहती है। लीवर में इन्फ्लामेशन, नॉन अल्कोहलिक स्टेटो हिपेटाइटिस, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इनमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं क्योंकि जो मेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, जिससे कि ओबेसिटी भी जनरेट होने लगता है पर्सन में। टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। स्लीप एपनिया, एपनिया का मतलब होता है कि जो हम इनहेल कर रहे हैं एयर को, उसमें हमको दिक्कत आती है ड्यूरिंग स्लीप, जब सो रहा है पर्सन तो दिक्कत हो रही है इनहेल करने में एयर को। डिप्रेशन, एंजाइटी एंड ईटिंग डिसऑर्डर,
पर्सन डिप्रेस हो सकता है, एनजाइटी फियर कैरेक्टर उनमें आ सकता है और ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है। एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं और कैंसर ऑफ द यूटेराइन लाइनिंग। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस पॉलीसिस्टिक ओवरीज के साथ बने रहते हैं। इनका ट्रीटमेंट क्या है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन कंटेनिंग पिल्स, ऐसे पिल्स जिसमें कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन होता है वो पर्सन को देते हैं। मेटफॉर्मिन, अगर उस पर्सन में कार्बोहाइड्रेट का लेवल ज़्यादा है तो मेटफॉर्मिन जो है एक बहुत ही अच्छा एंटी डायबिटिक ड्रग है, तो ये मेटफॉर्मिन शुगर लेवल को कम करने के लिए दिया जाता है। क्लोमिफेन फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए दिया जाता है, क्योंकि इसमें इनफर्टिलिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए क्लोमिफेन दिया जाता है। इसके अलावा सर्जरी करके भी उन सिस्ट को रिमूव किया जाता है। सेकंड जो प्रॉब्लम होता है फीमेल्स में वो है हिर्सुटिज्म। इसका मतलब क्या है? एक्सेस ग्रोथ ऑफ हेयर, जो हेयर का ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है फेस में, चेस्ट में, एब्डोमेन्स में एंड बैक में, ड्यू टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन। एंड्रोजन का प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से एक्सेस ग्रोथ हो रहा है हेयर का। हिर्सुटिज्म इज एसोसिएटेड विद, क्यों होता है, किस किस वजह से ये हिर्सुटिज्म हो सकता है? तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में इसके चांसेस हैं, कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया में इसके चांसेस हैं। एड्रिनल हाइपरप्लेसिया, हाइपरप्लेसिया का मतलब क्या हुआ? साइज का एनलार्जमेंट। तो यहाँ पर क्या है? एड्रिनल का हाइपरप्लेसिया मतलब एड्रिनल ग्लैंड जो है उसमें हाइपरप्लेसिया, उसका साइज बढ़ जाना, जिससे कि एंड्रोजन का रिलीज बढ़ने लगता है। ओवेरियन ट्यूमर और एड्रिनल ट्यूमर होने के चांसेस इस अगर है पर्सन को, तो उनमें हिर्सुटिज्म के केसेस देखने को मिलते हैं। एंड्रोजन एक्सेस, ओवर प्रोडक्शन ऑफ मेल हार्मोन, सेम इसी तरह से है। मेनोपॉज और पेरीमेनोपॉज, इसका मतलब क्या है? सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये यूजुअली ऑकर्स एट अबाउट एज ऑफ 50 के एज में जनरली मेनोपॉज होता है हर फीमेल्स में, लेकिन जब ये 2 to 8 years बिफोर, मतलब मेनोपॉज के जो बिफोर 2 to 8 years इसमें कुछ इरेगुलरिटीज आने लगते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? पेरीमेनोपॉज कहते हैं। 50 years तक में मेनोपॉज हो जाता है, लेकिन उससे पहले के जो 2 साल या 8 साल होते हैं उसमें इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होने लगते हैं, उसे हम पेरी मेनोपॉज भी कहते हैं या फिर मेनोपॉजल ट्रांजिशन कहते हैं। साइन एंड सिम्टम्स, ड्यू टू डिक्रीज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन लेवल, हॉट फ्लैशेस, स्लीप डिस्टर्बेंस, फैटिक, इरेटेबिलिटी, वेजाइनल ड्राइनेस एंड डिप्रेशन। साथ ही साथ ऐसे फीमेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन है उसमें एस्ट्रोजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बहुत हद तक डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद जैसे मेनोपॉज आता है एस्ट्रोजन का लेवल बॉडी में कम हो जाता है, तो कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से बोन थिन होने लगते हैं और ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, यहाँ पर कंप्लीट हुआ सेक्स हार्मोन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स।